नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये कोई नवाद का। लेबनान में पेजर धमाके हुए तो शक इसराइल पर गया। सीरिया में वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए तो शक इसराइल पर गया। लेबनान में इन धमाकों में हिजबुल्ला के कई लड़ाके घायल हो गए। ये तो हुई अभी तक की बात, जबकि लंबे वक्त से ईरान और इसराइल की तनातनी दुनिया देख रही है। इसके अलावा इसराइल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए हुए है। मतलब यह कि इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है और सभी मोर्चों पर डटकर खड़ा है। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि आखिर मिडल ईस्ट में ये चल क्या रहा है। हम में से ज्यादातर लोग जानना यही चाहेंगे कि आखिर इस खूनी संघर्ष का मकसद क्या है और इसका अंजाम क्या होने वाला है। कैसे मिडल ईस्ट की अशांति पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पेजर और वॉकी टॉकी को हथियार बनाया गया, उससे दुनिया में एक नए तरीके का खतरा पैदा हो गया है, एक नए तरीके की जंग का खतरा पैदा हुआ है। तो आज हम मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर बात करेंगे और एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, इसका असर दुनिया में क्या हो सकता है, इसका असर भारत पर क्या हो सकता है और ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लेबनान में जिस तरह से एक के बाद एक पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, उसके बाद लेबनान खौफ में है। कतर एयरवेज ने तो लेबनान की फ्लाइट्स में यात्रियों के पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर रोक लगा दी है। लेबनान में कोई नहीं जानता कि कब कौन सा गैजेट बम बन जाएगा। हिजबुल्ला के लड़ाकों को टारगेट करके जिस तरह से लेबनान में धमाके हुए हैं, उससे लेबनान हत्थे से उखड़ गया है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला ने हमले को जंगे ऐलान बताया है। तेजी से बदलते हालात ने यूएन तक के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। I would say in advance of the normal way to trigger these things. ऐसा लगता है कि इन धमाकों की वजह से किसी बड़े सैन्य अभियान से पहले की प्रतिक्रिया है। लेबनान में आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं और इसको टालने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। पेजर अटैक और वॉकी टॉकी में धमाके के बाद इसराइल भी अब अपने दुश्मनों के निशाने पर है, लेकिन इसराइल अभी भी अपने रुख पर कायम है। हमास के खिलाफ उसका अभियान जारी है और दूसरे मोर्चे पर उसने हिजबुल्ला के खिलाफ भी बड़ी जंग छेड़ दी है। इजरायली सेना IDF ने दक्षिण लेबनान के हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है और सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरल तबाह कर दिए हैं। इसराइल ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים हम बंधकों की रिहाई चाहते हैं और उसके लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरी होगा। אנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה। मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसराइल एक मोर्चे पर हमास से जूझ रहा है तो दूसरा मोर्चा अब लेबनान में खुल गया है और ईरान से इसराइल की टेंशन पहले से ही है। यही नहीं, इस पूरे मामले पर अमेरिका तक कुछ खुलकर कह और कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट का ये इलाका एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। कम से कम इसराइल के रक्षा मंत्री के तेवरों से तो यही लग रहा है कि स्थिति गंभीर है। זה לא חמאס, זה משהו אחר, וצריך להאריך לעניין הזה כמו שצריך לקחת את זה בחשבון. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब उत्तर की ओर बढ़ रही है। हम ताकत और संसाधन उत्तर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। हम ना हमास के कब्जे में बंधकों को भूले हैं और ना ही दक्षिण में अपने मिशन से पीछे हटे हैं। अपने दुश्मनों के खिलाफ इसराइल जबरदस्त अटैकिंग मोड में है, लेकिन इस बार मुसाद ने अपने दुश्मनों को जिस तरह से निशाना बनाया है, उसने नए तरह के वॉर का खतरा बढ़ा दिया है। लेबनान में इस वक्त हाल ये है कि लोग किसी भी तरह के गैजेट को हाथ लगाने से डर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इसराइल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ जिस तरह की साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ी है, उसे आने वाले वक्त में वो और भी आगे ले जा सकता है। इतनी ऑप्शंस हैं इसराइल के पास। अगर वो पेजर के साथ कर सकते थे तो वो किसी के साथ भी करेंगे, बट
कोई मुझे पूछेगा एज ए सोल्जर कि आपका मिशन क्या है, आपने क्या ये किया कि आप 3,000 लोगों को जख्मी करो या उनको, जैसे लोग कह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है, तो मैं कहूंगा नहीं, वो तो जो था वो एक बेसिकली एक टूल था करने का, एक्चुअली एक मैसेज था जो दुश्मन को दिया गया कि जी देखिए अब आपको ये नहीं पता कि हम आपको कहाँ पे, आपके घर के पड़ी हुई किस चीज के, आपके इस्तेमाल करने वाले एक पेन से लेके एक रेफ्रिजरेटर से, कहीं से भी हम आपको टारगेट कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग ने गैजेट वॉर का रूप ले लिया है, उसके बाद दुनिया अलर्ट हो गई है। अब तक जो गैजेट सुरक्षित माने जाते थे, उन गैजेट्स को बम में बदलकर मोसाद ने बता दिया है कि अब वॉर का चाल, चरित्र और चेहरा बदल चुका है। एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि पेजर और वॉकी टॉकी के बाद मोबाइल युद्ध में नया हथियार बन सकता है। ये पेजर वाला जो एपिसोड है, दिस इज, ये कभी आज तक हुआ नहीं इस तरीके से, एंड दिस इज अ वेल प्लान्ड, वेल थॉट यू कैन से, एंड वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन। एंड एज वी से, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन विच इज बीइंग रिमेम्बर्ड, कोई भी रिमेम्बर करता है, याद करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमेशा हम लोग कहते हैं यार इसराइलीज ने वो किया था। यू नेम अ थिंग, इवन इन एनएसजी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज जहाँ भी होते हैं, वो घूम फिर के हम वहीं जाते हैं, बिकॉज दे आर द, ये लोग बहुत एक्सपर्ट हैं एंड ये हर चीज़ को स्टडी करते हैं, एंड दे कीप ऑन थिंकिंग हाउ टू सर्वाइव, एंड दैट हाउ टू सर्वाइव इज द मेन थिंग, मोटिवेशन जो इनको करती है, जिसकी वजह से दे आर बेसिकली एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड, सब फील्ड में ये एक्सपर्ट हैं। तो इन लोगों ने तो पेजर का जो क्या है किया है, ये तो हिजबुल्ला ने डिसाइड किया। अभी डिसीजन भी अब समझ में नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया। यस, एक चीज़ हुआ था कि इनका एक एक लीडर था जिसने मोबाइल से कुछ यूज़ किया था, जिसको IDF ने ट्रैक किया, उसने वहाँ से मिज़ाइल फायर करी और वो स्ट्रेट अवे उसके घर पर जाके हिट करी, एंड कम्प्लीट हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड, एंड वो भी एलिमिनेट हो गया, और पूरा हिजबुल्ला का जो टेररिस्ट ऑपरेटिव था, सीनियर सब कमांडर, आई जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, तो वो हो गया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो सब ट्रैक कर रहे हैं इसराइलीज, एंड वर्ल्ड ओवर पता ही चल रहा है कि हाउ, कैसे इसराइलीज ट्रैक कर रहे हैं। आज लेबनान में हमेशा हाथों में रहने वाले गैजेट डर की वजह बने हुए हैं। हाल ये है कि अब वो तमाम एयरलाइंस भी सोच में पड़ गई हैं कि वो गैजेट्स को उड़ान के दौरान साथ रखने की अनुमति दे या ना दे। फिलहाल एक साथ दुनिया में कई खतरों ने सर उठा लिया है। पहला खतरा ये कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो उसकी आंच कहां तक जाएगी, और दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से गैजेट युद्ध के नए हथियार बन गए हैं, उसके बाद हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक नई तरह की जंग का खतरा पैदा हो गया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करा देती हूं, फिर चर्चा करेंगे। मेजर जनरल संजय मैसून जी हैं, रिटायर्ड हैं, फॉर्मर डिफेंस अटैची एम्बेसी ऑफ इंडिया, काबुल अफगानिस्तान और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ रोबिन सचदेव जी हैं, फॉरन अफेयर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जी हैं, रिटायर्ड फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं और इन्होंने मिडिल ईस्ट में अपनी सेवाएं दी हैं 10 साल तक। हमारे साथ अमित मल्होत्रा जी भी हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। शुरुआत मेजर जनरल संजय आप ही से करना चाहेंगे, क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं इसराइल और लेबनान के बीच में, मिडल ईस्ट में जाहिर सी बात है कि युद्ध जैसी स्थिति है और तनाव बहुत ज्यादा है, दुनिया पर कितना असर हो सकता है इसका, क्या है सिचुएशन वहां पर? और देखिए, जो भी मिडल ईस्ट में हो रहा है दुनिया में तो प्रॉपर असर होगा ही। और ये जो पेजर अटैक हुआ है, वॉकी टॉकीज अटैक, ये तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल हो जाता है। ये एक लेसन लर्नड है कि ये इस प्रकार के हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मतलब आपके पर्सनल गैजेट्स भी, जिनको बूबी ट्रैप कर दिया गया है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, कमेंट्री में भी, कि आज की तारीख में विश्व में हर चीज से अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर एयरलाइन ट्रेवल में भी। पहले तो मोबाइल की अनुमति थी कि आप मोबाइल कैरी के अलावा के आप वहां पर यूज भी कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, तो अब मेरे ख्याल नए एक इसके नॉर्म्स निकलेंगे हर कंट्री में, और मेरे ख्याल पूरे विश्व में एयरक्राफ्ट ट्रैवल वगैरह में ये जो मोबाइल जो आप हम लोग कैरी करते हैं, इसके ऊपर भी काफी अभी मेरे को लगता है रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो कार्रवाई की गई है इसराइल द्वारा, ये तो एक इंटरनेशनल नया ऑर्डर आ गया है, और अभी हर कंट्री ये इसके ऊपर काफी रिसर्च करना चाहेगा
और मेरे ख्याल इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा लेसन है कि हमें भी इसमें अभी ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारा दुश्मन है वो पाकिस्तान खासकर और चाइना, ये भी ये अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अभी पहले स्ट्रेस होता था सॉफ्टवेयर पे, अभी हार्डवेयर को भी इस्तेमाल कर लिया गया है। ये छोटा छोटा क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव लगाया गया है ये पेजर्स में, वॉकी टॉकीज में। तो और खासकर ये सप्लाई चेन सिस्टम, अब तो सवाल उठते हैं कि किस कंपनी से आप क्या प्रोक्योर कर रहे हो। आज हम लोग भी काफी चीजें प्रोक्योर कर रहे हैं, ये फोकस कंपनीज आ जाती हैं। तो ये पूरी वर्ल्ड में मेरे क्या एक बहुत चिंता का विषय है सप्लाई चेन ऑर्डर वगैरह ये हर चीज को, तो ये पूरा प्रभाव पूरे विश्व में करेगा और पूरी दुनिया, जाहिर सी बात है इसका असर उस पर। रोबिन जी दो चीजें सर, एक तरफ तो हम नए युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, एआई का जमाना आ गया, हम अपनी फौजों को, हम अपनी सेनाओं को, हम अपने देश को पूरा अत्याधुनिक बना रहे हैं, नई नई तकनीक से लैस कर रहे हैं। लेकिन अब जो हालात, जो चाहे पहले पेजर अटैक की बात करें या वॉकी टॉकी अटैक की बात करें, इसमें तो सीधे सीधे सामने सोल्जर को खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, अब ये तो गैजेट वॉर हो जाएगी कहीं ना कहीं तरीके से। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर एयरलाइंस में कुछ एयरलाइंस हालांकि इसको लेकर चर्चा कर रही कि क्या गैजेट्स को लेकर या फिर वॉकी टॉकी या पेजर्स के साथ फ्लाई कोई कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर ऐसा होता है तो फिर वो तकनीक कहां जाएगी? Well, thank you very much. Yeah, very interesting question. And ये केवल ये पेजर्स का ही नहीं, टेक्नोलॉजी का आप रूप देखेंगे तो यूक्रेन वॉर में भी जो हो रहा है ड्रोन्स के साथ, वो भी एक नया पैराडाइम सा शिफ्ट आ गया है, राइट? तो वॉर्स में डेफिनेटली एआई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं और होंगी ज्यादा, बट याद रखिए डिपेंड करेगा केस टू केस। अब इसराइल के केस में जो गाजा की वॉर शुरू हुई उसमें हमस ने कोई खास हाईटेक तो इस्तेमाल नहीं करा, वो तो मोटरसाइकिल पे जूते चप्पल पहन के हीरो राइफल्स AK-47 लेकर के आ गए। तो ऑन द ग्राउंड भी होगा पर डिपेंड करेगा केस टू केस। यस, हर कंट्री ये चाहेगी कि जो उसकी जंग हो उसमें उसके सोल्जर्स एक्सपोज ना हो, वो केवल और केवल टेक्नोलॉजी से लड़े। अमेरिका ने भी ये तो अनाउंस कर दिया था जब वो अफगानिस्तान में तालिबान को छोड़ के निकले थे, अमेरिका ने उस समय कह दिया था हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं बट हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये याद रखो। सो अमेरिका अब क्लियरली अपना एक भी कोई सोल्जर कहीं नहीं एक्सपोज करता, जो भी करता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कर रहा है, ओके, यस, मिसाइल्स के साथ या जिस भी टूल्स के साथ या फिर ड्रोन्स के साथ या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजीज। तो यस, नो डाउट जो ये वॉर्स जा रही है फ्यूचर की, ये जा तो उसी रास्ते रही है कि मिनिमम एक्सपोजर टू द सोल्जर, लेट्स से। सर लेकिन इसको हम साथ ही साथ एक कॉमन मैन के साथ भी देखें ना, क्योंकि गैजेट वॉर एक तरीके से शुरू हो गई है, अब उसमें हम उसमें सोल्जर खतरे में नहीं है, उसमें आम इंसान भी खतरे में है। उसमें आम इंसान भी है बट उस आम इंसान से पहले जो जनरल मिस्टर भी बात रेफर कर रहे थे, जो खतरे में है वो लोग हैं जो कि सेंसिटिव पोजीशंस में सरकारी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के हैं, मिलिट्री में है, सिविलियन में है, राइट? तो यहां पर भी हिजबुल्ला के जो पेजेस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है उनके फाइटर्स के थे वो तो ज्यादातर वहां पर, बट एट द सेम टाइम उनके जो कोऑर्डिनेटर जो सप्लाई सिविल इत्यादि इत्यादि, वो इंडिया का केस ले ले अगर हम पेजर्स की बात करें सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर केवल ये थोड़ी है कि हमारी मिलिट्री को जो पेजर्स दिए जा रहे हैं, मोबाइल फोन सरकार खरीद के दे रही है, सरकार तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में भी 1000 लोगों को शायद देती होगी या दे। तो अब गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सरकार है, क्योंकि देखिए दुश्मन को जो उसको दुश्मन जिसको निकाल एलिमिनेट करना चाहता है वो केवल आपके सोल्जर को नहीं, बिल्कुल, वो आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, वो आपके कम्युनिकेशन के बंदों को, वो आपके सुपरवाइजर्स को, जो भी अहम पोजीशन में बैठे आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को, किसी को भी जो उनको इंपॉर्टेंट दिखते हैं, जो कि देश की पूरी रोजमर्रा चलाते हैं, देश का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ताना बाना चलाते हैं, अब उनको टारगेट करने के लिए यस ये एक नई मिसाल पैदा हो गई है। सो लेसन ये है क्विकली हमारी गवर्नमेंट को अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज को बहुत बदलना पड़ेगा। बिल्कुल एमएस दीपक वोराब, आपके पास आऊंगी, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा मिडल ईस्ट में। पहली बात, पहला सवाल सीधा सा सर, ये दो सवाल आपसे हैं, पहला तो ये कि इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, दूसरा ये कि इस वक्त भारत के लिए क्या संकेत है ये?
हमारी हूँ मैम, जब भी आपके शानदार चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर आउटस्टैंडिंग। जनरल मेस्टन साहब है, रविंद्र सचदेव साहब है, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले अश्योरेंस मुझे दे दीजिए कि अभी जूम के जरिए कुछ नहीं होगा मुझको, क्योंकि मैं अपने घर में बैठा हूँ, अभी वहां तक टेक्नोलॉजी हमारी नहीं पहुंची। उम्मीद करते हैं कि भारत सुरक्षित रहे, मेक इन इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द भारत में बने मोबाइल और गैजेट्स हम इस्तेमाल करें ताकि हम तो कम से कम सुरक्षित हों। बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ, हिजबुल्ला के बारे में हम सब जानते हैं, उसकी स्थापना ईरान ने की थी कि भाई आप अमेरिका को हर्ट करो और इसराइल को दुनिया से खत्म कर दो। इसराइल मैम एक बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि ये जो इक्विपमेंट है ये ईरान ने खरीदा था एक हंगेरियन कंपनी से, जो कि एक इसराइली ऑपरेशन था। उन्हों को जब पता लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा तो उन्होंने इनके अंदर एक्सप्लोसिव्स भर दिए थे, जो कि ईरान ने हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर्स को दिए, यानी हिजबुल्ला ने अपनी मौत के पैसे खुद दिए थे। अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं मैम, 2018 की एक पुस्तक है मेरे मित्र रॉनिन बर्गमैन ने लिखी है, पढ़िए। उस किताब का शीर्षक है राइज एंड किल फर्स्ट। उसमें ये लिखा है जनरल मेस्टन, उन्होंने ये लिखा, ये तालमुड ज्यूइश होली बुक में भी है, अगर कोई आपको मारने आ रहा है उठ के पहले उसको मारो। और उस किताब में कितनी बार कितनी जगह लिखा है कि जो टारगेटेड ऑपरेशंस इसराइल ने किए 1972 में, जिसने वो आपको याद है मैम, अरे आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, जनरल साहब को याद होगा, वो इजरायली एथलीट्स को म्यूनिक में मारा गया था ब्लैक सितंबर मूवमेंट में। फिर जो उनका चीफ कोऑर्डिनेटर था उसके घर में एक महिला गई, 72 की बात कर रहा हूँ, पेरिस मेरी पहली पोस्टिंग थी पीएलओ के ऑफिस, और उसके उसके लैंडलाइन में, उस मोबाइल तो थे नहीं, बम रख दिया और उड़ गया वो भी। उसके बाद 15-20 साल के बाद और मारते गए। तो ये बॉम्ब्स के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू बहुत पुरानी एक्सपर्टीज है। अब जो इन्होंने किया मैम, खबर आई, ये मेरा मानना है और मेरे इंटेलिजेंस में बहुत से दोस्त हैं इसराइल में, कि हिजबुल्ला की जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट थी उसे लग रहा था कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए इस टाइम ये इक्विपमेंट एक साल पहले दिया गया था, इस टाइम पे उसको एक्टिवेट किया। इसके मायने क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा हिजबुल्ला। हिजबुल्ला तिलमिला गया तो वो मिसाइल विसाइल फेंकता रहेगा इसराइल के ऊपर, कुछ नहीं होने वाला। उसका सीनियर लीडरशिप डीकैपिटेट हो गया, उसको डिग्रेड कर दिया। जनरल मेस्टन साहब ये शब्द समझते हैं, डिग्रेडिंग देम सिग्निफिकेंटली, कुछ नहीं करेंगे, बहुत समय लगेगा। तो मेरा मानना है अब न्यू लेवल ऑफ वॉरफेयर पे हम पहुंच गए हैं। आपने अभी जिक्र किया, जब मैंने कहा कि कहीं जूम के जरिए ना, आपने बिल्कुल सही कहा मैम, वेरी ब्रिलियंट कमेंट यू मेड, कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो फिर ये गैजेट्स को छोड़ना पड़ेगा। एयरलाइंस में जाएंगे नहीं जाएंगे आई डोंट नो, बट ऑल आई कैन से इज मैम, आज जो इन्होंने किया है, आज मैं यहूदी हूं, पिज्जा खोन ले इसराइल, जीतो इसराइल, आपको जितनी ताकत है लगा दो वो लोग जो आपको मिटा देना चाहते हैं, दैट्स ऑल दैट आई वांट। सर दूसरा सवाल संक्षेप में, जो टेंशन इस वक्त मिडिल ईस्ट में है सर, उसके भारत के लिए क्या संकेत है? वो हमारे आपके तेल इंपोर्ट पे असर पड़ेगा, और दूसरी चीज जो भारतीय मूल के लोग वहां काम करते हैं, अगर उनको वहां से जाना पड़े जो कई करोड़ डॉलर हर साल भारत को भेजते हैं, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन आपकी विदेश नीति इतनी सक्सेसफुल है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि जो लोग लड़ रहे हैं वहां पर वो सब भारत के दोस्त हैं, वो कोशिश करेंगे कि भारत पर इसका कोई ज्यादा असर ना पड़े। जी चलिए लौटूंगी, अब साइबर एक्सपर्ट अमित मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। अमित जी, अब एक नई चर्चा भी छिड़ गई है, जिस दिन से ये पेजर अटैक हुआ उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक, एक नई चर्चा छिड़ गई, क्या हमारे हाथ में जो फोन है वो सेफ है कि नहीं है, और वो भी ऐसे वक्त में जब हम जानते हैं कि मैक्सिमम इंडिया में जितने लोग हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सर दीपक जी मैं देख रही हूं आपका फोन भी, जितने लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं वो मैक्सिमम फोन चीन में बनते हैं, और चीन से हमारे कैसे रिलेशन है ये हम सब जानते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये गैजेट वॉर होती है तो क्या गैजेट्स हमारे सेफ हैं या नहीं है? एयरलाइंस इसको लेकर विचार कर रहा है कि क्या लोगों को गैजेट के साथ फ्लाई करने का इजाजत दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्या कुछ नियम बदल सकते हैं ये भी बताइएगा। मैम बेसिकली क्या है कि जैसे हम कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो इस तरह की जो भी डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर इधर अटैक जब किया जाता है, फ्रिक्वेंसी अटैक किया जाता है। फ्रिक्वेंसी अटैक का मतलब है कि वायरलेस सिग्नल के जरिए इनको कंट्रोल किया जाता है, और इनके अंदर जो भी इधर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होती है, जो RFID का इस्तेमाल किया जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको यूज करके इनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि अभी जितने भी पेजर ब्लास्ट किए गए उनके अंदर RFID को यूज करके एक सिस्टम को यूज किया गया ताकि इनका रिमोट कंट्रोल के जरिए हम इनको एक्सेस कर सके। और जैसे कि हम बात करते हैं कि चाइना की, हमारे मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह सब चाइना से इस टाइम इम्पोर्ट हो रहे हैं, वहीं से बन के आ रहे हैं, तो इन चीजों के अंदर दिक्कत क्या है कि अगर चाइना कुछ भी ऐसी इधर चिप लगा देती है या कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी डाल देती है तो हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर की जा सकती है, हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंच सकती है।
तो हमें क्या है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं हाँ वो सेफ तो नहीं है, लेकिन हमें खुद को बचाने के लिए क्या है कि उनके ऊपर बार बार देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा कहीं लीक तो नहीं हो रहा, हमारा डेटा कहीं ब्रीच तो नहीं लेकिन हो वो रहा। हम कैसे कर और सकते हैं? कोई ऑप्शन है हमारे मोबाइल में या फिर हमारे गैजेट्स में इस तरह का कोई ऑप्शन है? मैम इसके लिए कुछ काफी सारे टूल्स आते हैं, तो उन टूल को हम चला के देख सकते हैं कि हमारा डेटा किस किस जगह पे कौन कौन सी आईपी पे ट्रांसफर हो रहा है। हमारे अब फोन के अंदर से जब हम चलाते हैं तो उससे हमें मालूम होता है कि हमारा डेटा इस आईपी पे हमारा डेटा जा रहा है, इस जगह से। पर सवाल तो सर यही है ना कि कितने लोगों के पास वक्त है कि वो ये सब चीजें चेक करेंगे? इतनी चीजें तो कोई चेक ही नहीं करता, वक्त ही नहीं है किसी के पास। मैम बेसिकली देखिए अगर स्मार्टफोन ने आजकल हमको बिल्कुल अपाहिज बना दिया। हम सब कुछ उस हमें लग रहा है कि हम बहुत स्मार्ट बन गए, लेकिन हम टोटली उस फोन पर डिपेंड हो चुके हैं। हम कुछ नहीं मैम करना देखिए चाहते, स्मार्टफोन यहाँ तक कि बिल्कुल सर, यहाँ तक कि अगर हमें कोई किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप एक शब्द बोलिए, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। बेसिकली मैम अगर हम इसी टाइप की बात करते हैं तो स्मार्टफोन तो वैसे भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि तो अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं तो आप एप्लीकेशन की डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो आपकी पूरा का पूरा प्राइवेसी को तो वो ब्रीच कर ही रहा है। आपका कैमरा ऑन करा रहा है, आपका माइक्रोफोन ऑन करा रहा है, आपकी लोकेशन ऑन करा रहा है, आपके कॉन्टेक्ट ले रहा है, सब चीजें ले रहा है। ये आपका पूरा का पूरा डेटा ऑलरेडी डार्क वेब पे बेचा जा रहा है पहले से। बिल्कुल हाँ पर हम देखा जाए तो अगर कोई भी कंट्री हमें ब्रीच भी करना चाहती है तो वो डार्क वेब का इस्तेमाल करके हमारे फोन के थ्रू हमें हम एक्सेस करती है, ठीक तो है हमारा डेटा तो पहले ही ब्रीच हो रहा है। हाँ, यही से इसी इसी जवाब से जनरल मैसन अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत, जब मैंने ये सवाल दीपक जी से किया कि हम कितने सुरक्षित हैं, हमारे लिए क्या संकेत है, जो मिडल ईस्ट की टेंशन है वो एक अलग बात है, उस पर चर्चा आगे करेंगे, एक सवाल करूंगी। लेकिन सर जब हम इस नए दौर की, नए युग की, नए गैजेट वॉर की बात करते हैं तो सर हम तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमारे अगर देखा जाए 90% गैजेट्स जो हैं वो विदेशों में बनते हैं। अभी हालांकि शुरुआत हो रही है भारत में, लेकिन वक्त लगेगा उसको भी। हाँ बिल्कुल, हमारे जितने भी गैजेट्स आम तौर पे भारत देश में बन रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठता है ये कितने सेफ है। देखिए इनके अंदर पहली बात तो अगर एक्सप्लोजिव लगाना वो तो मैं बोलूंगा अभी असंभव है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल पोजिशन पे आ गए। अगर बिल्कुल सिस्टम ही चेंज हो और सब नए फोन खरीदे जाए, अभी चाइनी अपनी बैटरी को कुछ एक्सप्लोजिव डाल दे अलग बात है, तो ज्यादा जो हमारी दिक्कत है इंटेलिजेंस के लिहाज से हमारी इंफॉर्मेशन। आज आप देखिए एलेक्सा हम लोग घर में रखते हैं, एलेक्सा से आप इतना ही कुछ पूछिए टक से जवाब आता है, आपने भी बोला, इसका मतलब वो एलेक्सा 24/7 हियरिंग वॉच पे है। तो अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो हो रही है, आप घर में जो बात करते हैं, आप फोन पे किसी से बात करते हैं, आप लेके चलिए कोई ना कोई क्या कई लोग इसको सुन रहे हैं, मॉनिटर हो रहा है, तो सबसे बड़ी सुरक्षा ये है। और अगर हम लोग मैसेजिंग भी करते हैं, ये आता है कि ये सब सेफ है, व्हाट्सएप पे क्रिप्टेड है, मेरे को नहीं लगता सेफ है। मैं जब इंडियन आर्मी में था, मैं एक सेंसिटिव डायरेक्टरेट में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, वहां हमें फोन अलाउड ही नहीं था किसी को अंदर ले जाना। अमूमन तौर पे हमारे सारे काम बाय हैंड फाइल में होते थे और वो भी एक बड़े सीनियर ऑफिसर के पास फाइलें रखी जाती थी। तो मेरे को कई बार लगता है कि इन चीजों से बचाव इस प्रकार है कि जो पुराने तरीके होते थे, 1-to-1 कॉन्टैक्ट, कोई फोन नहीं होना चाहिए। आजकल हम लोग ये मीटिंग होती है, जैसे आप एग्जाम्पल लिए, मान लिए NSA मीटिंग ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं, मेरे ख्याल अब तो हुक्म पास होने चाहिए कोई भी मोबाइल अंदर किसी के पास, चाहे वो कोई भी हो, सीनियर से सीनियर, किसी का मोबाइल अंदर मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए। आराम से हो सकता है कि एक आदमी का भी अगर मोबाइल वहां पर ऑन है और वो सारी खबरें वहां से चली जाएंगी, और ये तो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म है कि आपकी मीटिंग वगैरह में सब कुछ चला जाता है। तो ये बिल्कुल सिक्योरिटी इतनी सख्त होनी चाहिए, मोबाइल तो किसी भी ऑफिशियल और जहां पर ये बड़े सेंसिटिव डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, ये सब में ये बहुत मेरे ख्याल एक पॉलिसी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारी सिक्योरिटी सब कुछ जाएगी। एक धमाका ही नहीं है, सिक्योरिटी जो हमारी जाएगी, सिक्योरिटी ब्रीच है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी एक इसी से जुड़ा, रुबेन जी आपसे सवाल है मेरा। अभी कल तक जब तक ये पेजर वाले धमाके नहीं हुए थे, हम लोग बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे थे कि देखिए हम तकनीक के कौन से युग में पहुंच गए हैं जहां पर AI है। आप बोलिए और आपकी आपके सामने वो चीज हाजिर हो जाएगी। हम अपनी फौज को AI तकनीक से पूरी तरह से लैस कर रहे हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी हमारी एकदम फिट हो रही, लेकिन आज यही टेक्नोलॉजी है। अभी आपने सुना जुल मेस्टन यही बात कह रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरा है, तो अब क्या समझे, तकनीक खतरा या फिर फायदा? दोनों चीज हैं और इस राह पे चलना है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी की आगे एडवांसमेंट ना करें और अपने टूल्स इस्तेमाल ना करें, वो चाहिए ही चाहिए आपको। ओके, तो उस रास्ते पे तो जाना ही है, परंतु हाँ
जो बात दिख रही है मुझे, जो लोअर हैंगिंग होगा और होना चाहिए, यस एक तरह से जनरल मिनिस्टर कह रहे हैं कि सारी मीटिंग्स में गवर्नमेंट का हो जाए, कोई मोबाइल अलाउड नहीं है, सुन लेता है इत्यादि इत्यादि, पर उसके अलावा भी ये जो पेजेस ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई अगर आपके सरकारी डिपार्टमेंट, हमारी सरकार की जो प्रोक्योरमेंट है, मैं ये कह रहा हूं ऑफिशियल, डिफेंस मिनिस्ट्री की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्ट्री की, जो भी मिनिस्ट्री हो, जिन ऑफिशियल्स को सरकार फोन लेके देती है या वो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाएगा। क्योंकि अगर दुश्मन को आपके इस पेजर मॉडल पर आपके डिसीजन मेकर्स को उड़ाना है एक साथ 5,000, तो वो आपकी लीडरशिप या जहां जहां भी उसके फोन पहुंच जाएंगे वो ट्रिगर करेगा एंड यू विल हैव व्हाट हिजबुल्ला सॉ। तो इसका एक इम्पैक्ट तो डायरेक्ट होगा मेरे ख्याल से प्रोक्योरमेंट पर, कि कैसे खरीदी जाए, बिल्कुल सप्लायर से खरीदी जाए और उनकी क्या क्वालिटी या जो भी सारे चेक्स हो, आई थिंक गवर्नमेंट को उसके लिए नई गाइडलाइंस डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी। जिस तरीके से पहले पेजर, फिर वॉकी टॉकी और इसके बाद एक नए तरह की जंग की शुरुआत हो गई है, चर्चाएं और बातें पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हो रही हैं। हम आज चर्चा इसी पर कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आपके पास आते हुए, एक तो जब हम जिस गैजेट वॉर की बात कर रहे थे उसमें भारत कितना सुरक्षित है, एक जवाब तो सर आपसे उसका चाहूंगी। दूसरा ये कि आपका एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस वहां पर मिडिल ईस्ट में रहा है, क्या लगता है क्या ये मामला कभी सुलझेगा या ये आगे किसी बड़ी जंग की तरफ जाएगा? ये बहुत इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा, उसमें एक चीज आपको बता देता हूँ। इसराइल वहां पे बैठा हुआ है, उसको इंस्टॉल किया गया था 1948 में, और एक कॉमन एनिमी है सारे अरब देशों के पास, वो है इसराइल। मान लीजिए मैम कल इसराइल उठ के चंद्रमा पर चला जाता है, अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, तो क्या होगा? और ये मुझे यासिर अराफात, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत माने हुए फेमस लीडर थे, उन्होंने कहा था, अम्बेसडर, जब तक इसराइल है हम सब मिलकर अरब देश उनके साथ लड़ेंगे, जब इसराइल यहाँ नहीं होगा तो हम आपस में लड़ेंगे। तो अब ये कहना कि बहुत जल्दी वहां कोई सोल्यूशन होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, दे विल फाइट ईच अदर। रिसोर्स रिच है और इंटेलिजेंस पुअर इलाका है, वो लड़ेंगे आपस में मैम। तो वी हैव टू फैक्टर दैट इन, जो भी कुछ हमने करना है अपनी विदेश नीति में। और एक चीज आप और समझ लीजिए, हमारे संबंध कितने अच्छे हो गए। एक जमाना होता था जब मैंने फॉरन सर्विस ज्वाइन की थी, हम बड़ा डरते थे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये बोलेगा वो बोलेगा कश्मीर के बारे में। अब जहां पे भी आपके प्रधानमंत्री जाते हैं, ये जितने इस्लामिक देश हैं सब अपने सबसे बड़े ऑनर्स उनको देते हैं। तो ये पोजिशन हमारे लिए बदल गई एंड वी आर वेरी सिक्योर। मेरा मानना है कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पर सबसे सिक्योर रिलेशनशिप्स इस समय भारत की हैं, ये सब हम पर भरोसा करते हैं जी। और सर दूसरा सवाल उसी के साथ, मैम जस्ट वन सेकेंड, जनरल मेस्टन ने अभी अलेक्सा का जिक्र किया था कि वो सब कुछ सुनती रहती है। जनरल मेस्टन साहब, मैं अपनी पत्नी को इंप्रेस कर रहा था, मैंने अलेक्सा से कहा व्हाट्स माय नेम, तो बोली दीपक वोरा। मैंने कहा देखो कितनी इंटेलिजेंट है। फिर मैंने उससे पूछा व्हाट्स माय वाइफ्स नेम, अलेक्सा कहती है विच वाइफ। बहुत मार पड़ी मेरे को सर, मत करिएगा कभी अपने घर, क्षमा कीजिएगा। आई जस्ट वांटेड टू लाइटन दिस अ बिट। चलिए हम वापस गैजेट की तरफ आते हैं, क्या हमारे गैजेट सर सुरक्षित है? उस पर एक जवाब आपको और चाहूंगी, हालांकि ये जवाब आपने अच्छा दिया है, लेकिन हम हिंदुस्तान में वो चीजें, वो मोबाइल, आपने आपने मोबाइल दिखाया था जब मैं साइबर एक्सपर्ट से बात कर रही थी, वो मोबाइल फोन भी आए, मुझे पता नहीं आपके हाथ में कौन सा फोन है, लेकिन आई एम श्योर कि वो भारत में तो नहीं बना है, या तो चीन में या किसी और मुल्क में जरूर बना होगा। साउथ कोरिया में, चीनी माल में नहीं लेता। So, जो अब भारत में बनने शुरू, मैडम एक चीज आपको माननी पड़ेगी, जनरल मेसन साहब, रविंद्र सचदेव साहब और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आपको मानना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है बहुत गहरी सोच है। क्योंकि जब तक आप दूसरों से इंपोर्ट करते रहेंगे आप एक्सपोज रहेंगे, जब अपने देश में बने, मिसाल के तौर पर डेनमार्क ने अभी कहा है कि वो जो इंजन हम ले रहे थे तेजस मार्क टू के लिए, उसका कोई पुर्जा होता है, हम आपको नहीं देंगे। हमने क्या कहा, मत दीजिए, कोई इंडियन कंपनी बना देगी। ये है आत्मनिर्भर। I think we are on the right track. बिल्कुल, ये बहुत लंबी सोच है और बहुत अच्छी सोच है। कम से कम आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि वो पेजर्स जब आप दूसरे मुल्क से लेते हैं या फिर आप वॉकी टॉकी दूसरे मुल्क से लेते हैं, अगर हम अपने मुल्क में बनाएंगे, हमारे देश में बने हुए फोन हम इस्तेमाल करेंगे, कम से कम हमें ये खतरा नहीं होगा। लेकिन दीपक जी, इसी के साथ साथ अभी उसको बनने में वक्त लगेगा, इन द मीन वाइल इतने समय में कैसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? ये प्रश्न आपने किससे पूछा है? दीपक जी, आप ही से है सर मेरा। ओके, सुरक्षित ऐसे ही रखेंगे एग्जैक्टली जो जनरल साहब ने कहा और रविंद्र सचदेव साहब ने भी कहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे मंत्रालय में अब हम लोग मोबाइल्स नहीं ले जाते जब मीटिंग्स में जाते हैं, बिल्कुल बंद करके बाहर रख देते हैं। तो यही है कि हम वो पुराने सिस्टम में जाएं, हैंड रिटन। और मैम इंटेलिजेंस के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई सुन रहा है अगर आपकी कॉन्वर्सेशन,
उसको कैसे मालूम है कि आप वो कह रहे हैं जो आप चाहते हैं वो सुने या आप सत्य बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर। मैंने काम किया, मैं जानता हूं, जनरल साहब ने भी काम किया, वो भी जानते हैं। आई माइट बी लिसनिंग टू व्हाट ही वांट्स टू टेल मी, वो सच्चाई मुझे नहीं बता रहा। तो जब तक ये है, हमारे जो पुराने सिस्टम थे वो बहुत फूल प्रूफ थे। टेक्नोलॉजी के दो पहलू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपने अभी दोनों देखे हैं। इसराइल की तरफ से पॉजिटिव क्योंकि उसने अपने दुश्मन को मारा है, हिजबुल्ला की तरफ से नेगेटिव क्योंकि वो मारे गए हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। फाइनली आई जस्ट मेक वन कॉमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल स्टूपिडिटी। बिल्कुल, और यही से सवाल दूसरा, जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं, क्या हमें नियमों में बदलाव की जरूरत है, खासतौर पर अगर हम इस अपनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो? 100% 120% इंपोर्ट बैन होना चाहिए एंड एवरीथिंग शुड बी मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। 144 करोड़ की आबादी, वी आर अ स्टार्टअप नेशन मैम, कितने सारे स्टार्टअप, स्पेस सेक्टर में 150 हैं, इतने हैं, डिफेंस सेक्टर में आप देखिए कितने सारे हैं, वी कैन डू इट। बस अपनी ताकत हम पहचान रहे हैं, जामवन ने जो रामायण में हनुमान जी को कहा था, अपनी ताकत अब हम पहचानने लग गए, एंड वी विल डू इट। ज्यादा समय नहीं लगेगा मैम, 2 या 3 साल में यू विल सी वी विल बी देयर। ठीक है अमित मल्होत्रा जी, 2-3 साल का वक्त यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जब हम आत्मनिर्भर भारत, हालांकि कई जगह है ये बात शुरू हो चुकी कि हम खुद फोन बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, वक्त उसमें कितना लगेगा? और तब तक अगर हमें, हम बिना गैजेट्स के तो रह नहीं सकते, हम तो टोटली डिपेंड अब हो चुके हैं उस पे, तो तब तक हम किस तरीके से खुद को सिक्योर कर सकते हैं? हम देखिए अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में है, हम इंटरनेट पे देखिए, मैं तो एक बार बोलता हूँ, क्या कोई सर, क्या कोई ऐसा, माफी चाहूंगी मैं रोक रही हूँ आपको, क्या कोई ऐसा टूल इनबिल्ट इसमें होता है या हो सकता है जिसके जरिए एटलीस्ट हम, हमें अलर्ट मिल जाए? मैम अब जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, हमारे मोबाइल फोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इधर एंड्रॉइड हो गया या फिर एप्पल हो गया, जो भी हमारा फोन होता है उसके नए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनबिल्ट। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अब जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, इनके अंदर भी नई इतनी टेक्नोलॉजी दे दी है सिक्योरिटी को ना लेके, कि अगर आपके सिस्टम का कहीं पे भी एक्सेस हो रहा होता है, जब कोई भी आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा है, जब कुछ भी ऐसा आपके साथ घटित होता है, तो वो आपको खुद इंटीमेट करता है और बताता है। हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रही है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एडवांस हो गया है, तो ये चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट कर दी है, एंटी मालवेयर, एंटी स्पाइवर, इस टाइप के फीचर्स डाले गए हैं पहले से फोन में, ताकि आपके फोन में कोई भी मालवेयर या स्पाइवर एंटर करता है तो वो आपको पहले से इंटीमेट कर देता है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि एक परमिशन जो होती है, सिर्फ एक परमिशन आपके फोन को पूरा एक्सेस कहीं पे भी दे देती है। आपने एक सिंपल सी परमिशन को अगर अलॉय दे दी, अपना खुद से सामने वाले को उसकी पूरी परमिशन दे दी, तो वो आपके फोन को पूरा एक्सेस कर लेगा, आपका फ्रंट कैमरा, आपका बैक कैमरा, आपके लाइव के कन्वर्सेशन सुन सकता है, आपके कॉन्टेक्ट देख सकता है, आपकी लोकेशन देख सकता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन सारी पहुंच जाती है। तो उसी को एक सिंपल नाम दे दिया जाता है हैकिंग, कि अगर उसके पास आपकी परमिशन आपने दे दी और आपके उस आपके फोन का एक्सेस उसके पास पहुंच गया, तो लोग इसको हैकिंग का नाम दे देते हैं, और हैकिंग में क्या है कि आपका फोन का एक्सेस कहीं और पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अजल मेस्टर ने एक सवाल आपसे भी, हिजबुल्ला पर अटैक हुआ, सीधे सीधे क्या इसराइल की ईरान को चुनौती है, ये संदेश ईरान के लिए है क्या? और बिल्कुल, ये ईरान के ऊपर तो बहुत सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए ये जो अटैक किया है, मैं ये इजरायली अटैक की इस पे तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो पेजर इस्तेमाल किए जा रहे थे और वॉकी टॉकीज, ये अमूमन तौर पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के पास थे, जो भी मेन कमांड कंट्रोल एलिमेंट थे इसमें शामिल है। आप देखिए एम्बेसडर ईरान का जो लेबनान में बेस था, ये साफ जाहिर होती है कि ईरानियन सिस्टम, ईरानियन हुकूमत, ये हिजबुल्ला और ये जो तीनों एच हैं, इनके साथ इन्वॉल्व है और ये इनके प्रॉक्सीज हैं। ये तो सबसे बड़ा सबूत है, और किसी कंट्री के एम्बेसडर को क्यों कुछ नहीं हुआ? तो ये एक सीक्रेट नेटवर्क था जो हिजबुल्ला चला रही थी, और जिसमें इम्पोर्टेंट कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर इनमें शामिल थे, और इसमें कमांड कंट्रोल एलिमेंट के कई बंदे इनकैपेसिटेट या डीकैपेसिटेट करके गए हैं। तो एक सबसे बड़ा तो ये है, इसराइल को आज की तारीख में एडवांटेज, आप ही देखिए इन्होंने अभी इतने एयर अटैक्स कर दिए हैं, 100 से ज्यादा एयर अटैक्स कर दिए हैं, ये साफ जाहिर होता है क्योंकि अभी उसका रिस्पांस सिस्टम कमजोर पड़ गया है। और इसी प्रकार ईरान के ऊपर भी ये सख्त चुनौती है, धमकी है। आप ईरान को देखिए, जब ये हनीफ इस्माइलिया को मारा था, आप तब देखिए उनके हार्ट के अंदर घुस के मारा है, तो आज इसराइली की जो हुकूमत है, सबको डर लगता होगा कि कब मेरी मौत मंडरा रही है। और ये जो जनरल एम्बेसडर ओरा ने ये किताब बताई है, राइज एंड किल फर्स्ट,
ये तो बिल्कुल इसराइल इस पर विश्वास करता है। तो राइज एंड किल फर्स्ट, मतलब आप पहुंचिए और दुश्मन के घर के अंदर घुस के उसको मारिए, और ये सिस्टम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती ईरान के ऊपर है, और आज ईरानियन शासन, ईरानियन जनता भी डरती होगी कि कब हमारे ऊपर किस प्रकार से हमला होगा, हमारे भी गैजेट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो ये चुनौती उनके ऊपर भी है, और मेरे ख्याल ये जो इसराइल की एक स्टेटेड पॉलिसी है, ये दुश्मन से घिरा है, उसके साथ उनके पास सर्वाइवल के लिए हर तरह से ये लड़ने की एक शक्ति बनती जा रही है। और ये बहुत ही, मैं बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस है आज की मॉडर्न हिस्ट्री में, जो एक नेटवर्क के अंदर घुस के और साइमल्टेनियस इतना बड़ा अनप्रेसिडेंटेड अटैक हुआ है कि कितने लोग, मतलब तकरीबन 3,000 लोग आज इनकैपेसिटेट हो गए हैं। इनकी जो लीडरशिप है वो टारगेट की गई है। ये जवानों के पास नहीं होंगे ये पेजर, ये होंगे बेसिकली ऑफिसर्स और इम्पोर्टेंट जिनके पास भी पोर्टफोलियोज हैं। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है, और आज ईरान और ये जितने ये खासकर हिजबुल्लाज हैं और ये हमास है और हुतीज हैं, ये सब डरते होंगे। इनकी तो मिसाइल सिस्टम भी अभी आप देखिएगा जैम कर दी जाएंगी, इसलिए रॉकेट फायर कर रही ये मोटर्स, क्योंकि मोटर्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्यूब में डालो और बॉम्ब निकल जाता है। लेकिन जो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, मेरे ख्याल हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वो भी अभी कॉम्प्रोमाइज कर दिए गए होंगे, जैम कर दिए गए होंगे, और हो सकता है लॉन्च होते ही वो फट जाए और वहां जो क्रू है वो भी ध्वस्त हो जाए। तो आज की तारीख में ये हिजबुल्ला के ऊपर और ईरान के ऊपर इतना डर होगा, ये जरूर बहुत बोल रहे हैं कि हम लड़ाई को बढ़ाएंगे और हमारी रेड लाइंस पार हो गई हैं। मेरे को नहीं लगता है कि ये ज्यादा कुछ कर पाएंगे, इनकी क्षमता ही नहीं है, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर इनके तकरीबन खत्म हो कर दिए गए हैं। बिल्कुल रोबेन जी, अब लेबनान अगर सीधे युद्ध में उतरता है तो क्या समीकरण बनेंगे मिडिल ईस्ट में, इसको भी थोड़ा समझाइए सर। देखिए, पहली बात तो लेबनान खुद नहीं उतरेगा, यानी कि लेबनान देश, राइट, हिजबुल्ला लेबनान के अंदर है, लेबनान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है, हिजबुल्ला का जो मिलिट्री है वो लेबनीज आर्मी से ज्यादा पावरफुल है, तो यानी कि हिजबुल्ला, राइट। अभी जो ये होगा, ये आने वाला वक्त स्पाइरल होता जाएगा। देखिए, इसराइल गाजा में अपना सोचता है ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, पर इसराइल गाजा में फंस गया है, उसने जितना भी करना था वो कर लिया, वहां उसको वहां एंड गेम नहीं मिलेगी कि टोटल हमास को निकाल दे। वन सेकंड, इसराइल ने ये भी डिसाइड कर लिया कि हिजबुल्ला को भी अब मुझे न्यूट्रलाइज करना है, अब ये वक्त है, मोमेंटम है, करना है। हिजबुल्ला के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ के जो भी अंजाम होगा, इसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट जाएगा ईरान की तरफ। वन, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। वन सेकेंडली, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रुकना है, ओके, हो सकता है कोई डील हो जाए किसी तरह की, वी डोंट नो, रुक जाए फॉर एग्जाम्पल, बट फिर भी लॉन्ग टर्म या इवन मीडियम टर्म यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो बात होती है कि टू स्टेट सोल्यूशन हो तब शांति होगी, राइट। पैलेस्टीन की एक स्टेट हो, इसराइल हो, दोनों एक साथ रहे, और पैलेस्टाइन का कैपिटल हो ईस्ट जेरूसलम, वो कभी होने नहीं वाला। इधर सऊदी अरेबियन, बाकी अरब वर्ल्ड चाहे जो भी हो, वो प्रो यूएस है, पर उनकी अपनी अवाम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ सिंपथी रखती है। परसों सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अपनी एनुअल शुरा काउंसिल मीटिंग में कहा कि हम इसराइल से रिश्ते कभी नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक कि टू स्टेट सोल्यूशन ना हो और पैलेस्टाइन का कैपिटल ईस्ट जेरूसलम बने। तो ये जो बात चल रही है, और अमेरिका भी पूरा प्रयास करता है कि सऊदी और यू नो इसराइल के आपस में रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा, उसके भी चांस कम है, क्योंकि टू स्टेट होने नहीं वाला, इसराइल मानने नहीं वाला कभी, और लॉजिकल भी नहीं है उसके लिए। तो ये एक तरह से वूंड, ये एक जख्म रहेगा, और जख्म क्या मतलब, ब्लीड करता रहेगा। और इधर इसराइल का अभी जो चल रहा है, हिजबुल्ला से कॉन्फ्लिक्ट है, बढ़ा रहा है, ईरान की तरफ जाएगा, क्योंकि इसराइल को एक और ऑब्जेक्टिव है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकना है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत एडवांस हो चुका है, ओके, फॉर अ न्यूक्लियर वॉरहेड। इसराइल ने पहले डिक्लेयर कर रखा है, कह रखा है कि हम कभी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। तो ईरान अगले आने वाले महीनों में, इनफैक्ट कहा जाता है कुछ हफ्तों में भी, हमेशा कहा जा रहा है पिछले साल भर से कि कुछ महीनों में, पर कभी भी एक पॉइंट पे आने वाला है जब उसके पास इतना न्यूक्लियर मटेरियल होगा जो वो एटॉमिक बॉम्ब बना लेगा। तो ईरान या तो बाय द वे न्यूक्लियर टेस्ट कर देगा आने वाले कुछ समय में, आप देखना, आई मीन कुड बी पॉसिबल, क्योंकि ईरान को ये दिखाना पड़ेगा होगा कि मैं न्यूक्लियर पावर हूं। तो ईरान, सॉरी, इसराइल उस चीज को रोकेगा, रोकना चाहता है, इसराइल उस चीज को अपने हिसाब से कभी होने नहीं देगा। क्या यही वजह है कि इसराइल चाह रहा है कि ईरान सीधा वॉर में कूदे?
वो सटली इसराइल चाह रहा तो नहीं कह सकते या चाह भी रहा हो, बट ये जो रास्ता जा रहा है ये क्लियर कट डे वन अक्टूबर 7 से भी जब से भी ये शुरू हुए हमस के अटैक के बाद से ये वॉर को ईरान तक पहुंचना है। अब कब पहुंचेगी वी कैन नॉट से। बिल्कुल, मेरे ख्याल से दीपक वोरा जी बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस आपका वहां पर रहा है इसी बात का जवाब। और फिर दूसरा सवाल ये भी कि गैजेट से साइकोलॉजिकल वॉर का एक दौर भी शुरू हुआ और ये कितना खतरनाक हो सकता है। सर दीपक जी। मैम जो ईरान की आपने बात की है देयर इज नो क्वेश्चन कि अगर ईरान ने डायरेक्ट पंगा लिया और वो कभी नहीं लेगा, डरपोक है, उसके पास ताकत नहीं है। और ये हानिए जो वहां पे मारे गए थे ना उनका चाचा है ना भतीजा है ना उनका कोई रिश्तेदार है, तो वो अपनी प्रॉक्सीज को यूज करेगा इसराइल के ऊपर प्रेशर डालने को, डायरेक्टली नहीं जाएगा। जहां डायरेक्टली गया मत भूलिएगा कि इसराइल की अग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका पीदा कूदेगा और ठोकेगा। अमेरिका इस चीज का इंतजार कर रहा है किसी तरह से ईरान को हम जंग के अंदर ले आए फिर मारे बुरी तरह। सो आई डोंट सी दिस हैपनिंग। शोर मचाएगा, ये करेगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जहां तक सजीव साहब बात कर रहे थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, वो तो इसराइल साफ कह चुका है हम कभी बनने नहीं देंगे। मोस्ट रिसेंटली यूएस कांग्रेस में भी बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने यही कहा था कि कभी नहीं होने देंगे कि उसको न्यूक्लियर वेपन्स मिले। तो वो बड़ा क्लियर कट पॉलिसी, ना ही अमेरिका चाहेगा ना कोई और चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो अमेरिका की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि गैजेट वॉर पे जो हम आ रहे हैं, तो एक जमाना था मैडम हम राइफल से लड़ते थे, उसके बाद एयरक्राफ्ट से लड़ने लगे, फिर मशीन गन्स आ गए, ये आ गया, फिर ड्रोन शोन आ गए, अब ये जो है नई चीज आई है, ये एक नया दौर शुरू हो रहा। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं और अभी आगे जाके मुझे लगता है कि इनका और भी प्रयोग होगा। फाइनली एक चीज है, आपने मार दिया, आपके सोल्जर बच गए, आपने दूसरे देश की टेरिटरी ले ली, जो आपका उद्देश्य था। टेरिटरी को होल्ड करने के लिए आपको अपने सिपाही भेजने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड। इस रिस्पेक्ट में जंग का जो फॉर्मेट है वो नहीं बदला। जंग का फॉर्मेट आपको लग रहा नहीं बदला? एक ही इस पर जुल मैसन, इसी पर एक सवाल, इसी पर एक रिएक्शन सर आपका भी चाहूंगी। और देखिए हकीकत यह है, रशिया यूक्रेन वॉर देखिए, कोई भी वॉर है, फाइनली मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, इन्फेंट्री तो आखिरी आपके जमीन का कब्जा करती ही है और उसके लिए तो कोई डाउट है ही नहीं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये जो हमारे साथ हैं, ये जितने भी हथियार हैं, ये जितने भी ये टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सिर्फ हमारी असिस्टेंस के लिए। लेट मी टेल यू, सबसे नंबर ह्यूमन ब्रेन ही चलेगा, कोई शक नहीं है, ये भी सारा काम ह्यूमन ब्रेन का ही है जो अभी यहाँ पर हुआ है। तो कहने का मतलब है बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए है, तो लड़ाई का जो एंड स्टेट है, एंड स्टेट में बोल रहा हूँ, आखिरी में और शुरू से लेकर अंत तक जो एक सोल्जर है, जो एक सिस्टम है, उसकी बहुत जरूरत है और उसको बिल्कुल हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो हमेशा रहेंगे, ये हमारे साथ जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी सिस्टम है, ये सब हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं। और सुप्रीमेसी हमें हमेशा हमेशा ह्यूमन ब्रेन की रहेगी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पहले भी पॉइंट आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो हमारे को ऊपर हावी नहीं हो सकती है। ठीक है रोबिन जी, एक आखिरी कमेंट आपसे सर, गैजेट वॉर के लिए इस वक्त हम कितने तैयार हैं, भारत कितना तैयार है? थैंक यू, आई वुड होप दैट कि हम पूरी हद तक तैयार है जितना हम हैं तैयार, बट एट द सेम टाइम हम लेसन्स भी लर्न करते हैं, पूरी दुनिया में सारे देश और हम भी लर्न कर रहे हैं जो डेवलपमेंट्स नहीं हो रही है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक मेरे विचार से इस इंसिडेंट के बाद हार्डवेयर, मैं कह रहा हूँ हार्डवेयर जो प्रोक्योर करती है हमारी सरकार, उसको लेके पॉलिसीज रिफाइन होंगी। हार्डवेयर कोई भी हो, वॉकी टॉकी, पेजर्स, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, आई डोंट नो व्हाटएवर, फोन्स जो हम अपने बीएसएफ को देते हैं, देखिए काफी हम फोन्स भी तो हमारी सरकार लेती है जो ऑफिशियल फोन्स दिए जाते हैं, चाहे वो फीचर फोन होते हैं, वो स्मार्टफोन नहीं होते, जैसे जनरल मिस्टर भी कह रहे हैं इनको, इनके पास जो फौजियों पे फोन्स होते हैं ऑफिशियल, वो फीचर फोन होते हैं, स्मार्टफोन नहीं होते, पर फिर भी उन फीचर फोन्स को भी, तो जो भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होगी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स अलग है, हैकिंग हो जाएगी, ये वो सारा, बट हार्डवेयर की पॉलिसी बदलेगा, इंप्रूव होगी हमारे देश, चेंज होगी। ठीक है सर, वक्त की कमी, एक लास्ट कमेंट दीपक वोरा जी सर आपसे। लास्ट कमेंट इस विषय पर, इसी विषय पर सर, कि हम कितने तैयार हैं, भारत कितना तैयार है गैजेट हम, के लिए? हमारे पास वी हैव प्रैक्टिकली 1 मिलियन इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश में, 1200 यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज पढ़ाते हैं। मैम वी आर द बेस्ट और हम लोग इसका बहुत जल्दी एक सोल्यूशन ढूंढेंगे। आपको याद होगा कि सन 2000 में जब दुनिया भर के कंप्यूटर ठप हो रहे थे, भारत के पास दौड़े थे कि भाई ये Y2K बग से हमको बचा लीजिए, उसी तरह से हमारे पास फिर आएंगे एंड हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। मैं ये आपके करोड़ों जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ, वी विल ओवरकम।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।